पिछले मैच में इमरान जी ने बड़े अच्छे छक्के लगाए थे कैप्टन। अभी भी मैच बड़ी दूर है, क्या लुत्फ ऑफ मैच, क्या ये तो बड़े एक खतरनाक फील्डर है, उसूल बहुत खतरनाक फील्डर है। वाह 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 वाह, क्या लाजवाब कैच रहा। इमरान ने काफी अच्छी टीम पिछले मैच में, इमरान जी ने आज से स्कोर लगाए और किसी सियासत की वजह से बाहर करें। इमरान 109 रन आ चुके हैं। यहाँ पे देखना होगा फ्रीडम कैच, कहाँ छोड़ेंगे, चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। पवन जी से सिंगल लेना बड़ा मुश्किल होता है, पवन जी पुंछ के अंदर एक पत्थर प्लेयर है। क्या सेक्शन की बॉलिंग, ऐसी गेंदे करनी होंगी। 11 रन पवन का लाजवाब रहेगा। राइट गेंद दोनों हाथ पे, सेक्शन काफी अच्छी गेंद है। स्टेडियम ग्राउंड में बड़ी बनाए हुए 6 गेंदे 12 रन। पुलिस कोच जनाब रमेश कुमार अंग्राल साहब जो है वो यहाँ सुशील शर्मा हो चुके हैं। इसी दिशा गेंद की अच्छी गेंद, उसे खेल दिया फील्डर गेंद के पीछे, बेहतरीन फील्डिंग की, बेहतरीन फील्डिंग का निर्माण किया गया था। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। इग्नाशियो कमेटी की जानिब से फिर से खेल दिया गेंद को, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, 4 रन और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई है। गेंद की और फिर से खेल दिया फील्डर गेंद के नीचे, जिसकी रस्मी इफ्तिताह जनाब एसपी साहब के ही दस्ते मुबारक से 2 जनवरी को हुई थी और आज ये क्रिकेट विंटर कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ, जिसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की कुल 56 टीमों ने हिस्सा लिया और यूँ समझिएगा कि तकरीबन 2 माह तक ये मैच चला। मौसम बहार में तो बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन पहली बार खिदमत फाउंडेशन जिसके कि चेयरमैन सैयद इमरान शाह साहब हैं, उनकी ज़ेर सरपरस्ती इस ठंड के मौसम में भी खिलाड़ियों को एक मौका फराहम किया कि वो अपनी खेल सलाहियतों का मुजाहरा करें। तो 2 टीमें जो हैं वो आज फाइनल में यहां पर पहुंची थी, जिनमें एलओसी पुंछ और दशमेश क्रिकेट क्लब जम्मू के खिलाड़ी यहां पर मौजूद रहे। आखिरी लम्हात में खेल नहायत ही दिलचस्प रहा,
और आखिरकार फतेह का जो ताज था वो दशवेश क्रिकेट क्लब ने अपने सर पर बांधा। जीन साहब, VDC चेयरपर्सन, फरीद मौलवी साहब और जितने भी मौजूद शहरी हैं, खासकर मैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्लेयर हों, कोचेज हों, अंपायर हों, रेफरी हों, कमेंटेटर हों, और यहाँ पे जितने भी लोग इस मैच को देखने के लिए आए हैं, मैं सबसे पहले इमरान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इतना शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया। जैसे कि आपको बताया गया, ये टूर्नामेंट करीब 2 महीने तक चला और इसमें 56 क्रिकेट जो टीम्स थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस लेवल की जो टूर्नामेंट है जिसमें इतने प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया और इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, ये वाकई ही एक काबिले तारीफ़ है, क्योंकि स्पोर्ट्स ना केवल हमें पॉजिटिवली जोड़ता है बल्कि काफ़ी सारी बुराइयां जो हैं वो उनसे दूर रहने के लिए हमें इंस्पायर करता है। खिदमत फाउंडेशन जो है वो स्पोर्ट्स के अलावा बाकी भी चीज़ों में अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो समाज के लिए देती है। मैं अपनी दिल की गहराइयों से इमरान जी और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और जो आज का मैंने फाइनल मैच देखा है, मुझे तो ये लग रहा था कि कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो मैच है वो मैं विटनेस कर रहा हूँ। जिस तरह से नेल बाइटिंग फिनिश इस मैच में हुआ और जो आप लोगों ने अपनी काबिलियत का मुजाहरा किया, जिसमें बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, सभी तरह की एक जो एक क्वालिटी प्लेइंग है वो देखने को मिली। आप लोगों ने इस सारे टूर्नामेंट में जिस तरह से पार्टिसिपेट किया और यहाँ आकर के जो जम्मू की टीम है जिसका DDC है, DDC जम्मू है, तो मैं खसूसी तौर पर DDC जम्मू को मुबारकबाद देता हूँ। और हालांकि ये मैच जिस तरह से क्रिकेट जाना जाता है उसी तरह का मैच था, एक दो बाल इधर उधर होती तो शायद LOC पुंछ भी इसको जीत सकता था, बट दोनों ने अच्छा खेला और दोनों काबिले तारीफ़ हैं। मैं अपनी तरफ से और पुलिस की तरफ से आप सबको बधाई देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया और आपके बीच बोलने का मौका दिया और शिरकत करने का मौका दिया। जनाब रमेश कुमार अंग्राल साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहां पे अपना कीमती समय निकाल कर जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। साथ ही साथ BDC चेयरपर्सन नंगाली जनाब नज़ीर चौधरी साहब, जमील कोहली साहब BDC चेयरमैन पुंछ, DYSP अजीम कुरैशी साहब, फरीद मलिक साहब, एडवोकेट इमराज शाह साहब, प्रेम प्रकाश लुथरा जी, एडवोकेट आफ्ताब गनई साहब, मैनेजर स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्दोष शर्मा जी, शबीर भट्ट साहब, अब्बास मलिक जी, राजेंद्र सिंह तूफान सर, चौधरी असद मसूद साहब, फयाज दीवान साहब, तारिक भाई, जहीर साहब और जितने भी यहाँ आए हुए मेहमान हैं, VIP स्टैंड में बैठे हैं, टीम्स हैं और यहाँ पे स्पेक्टेटर्स हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतना बेहतरीन इस टूर्नामेंट का जो फाइनल था उसको ऑर्गेनाइज़ करने में हर इंसान ने जो है वो पूरा मेरा तआवुन दिया, जिसकी वजह से आज आपको एक ये बेहतरीन फाइनल जो है यहाँ को देखने को मिला। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा SSP साहब का, DYSP DAR सचिन साहब का, अजीम कुरैशी साहब का, इंचार्ज मैनेजर स्पोर्ट्स स्टेडियम जनाब निर्दोष शर्मा जी का, और ख़ासकर कासम सर जो हैं डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर पुंछ, उनका, जिन्होंने यहाँ पे हमें ऑफिशियल्स प्रोवाइड किए। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा इंजीनियर सलीम बांडे साहब का, वो यहाँ पे आज मौजूद तो नहीं है लेकिन उनका पूरा कोऑपरेशन जो है वो हमारे साथ यहाँ पे रहा, उसे निभाते हुए इस टूर्नामेंट में भी अपने फराइज बखूबी राजा तशरीफ लाएंगे। सज्जाद तांत्रिक, फैजान तशरीफ, और इसके बाद तैयार रहेंगे शहनाज सिंह, हरवी स्मार्टी, सैयद इम्तियाज सिंह, फारूक अहमद,
थे फाइनल के लिए सरदार किरमानी साहब, सरदार गुरमीत सिंह, रजनीश बैनी तशरीफ लाएंगे, मोहम्मद आसिफ विंटर कप लाएंगे, राम प्रकाश सुबह से शाम तक, मोहम्मद यूसुफ, आशीष गिल, जहांगीर अहमद दिखाई नहीं दे रहे, तशरीफ लाएंगे शहजाद भट्ट, वक्त की उसी से टाइटल दिया है इन्होंने, वक्त की आवाज सज्जाद भट्ट, और हम नहीं कभी नाम छूट गया की सेहत बना सकते हैं, और उनकी जो है टेबल टेनिस एसोसिएशन के मेंबर हैं साहब, चेयरमैन अवामी डेवलपमेंट फोरम, एक समाजी कार्यक्रमों में पुंछ से क्रिकेट टीम लेकर के गए थे, अब लगाइएगा 1958 से आज तक का हिसाब, नजीर चौधरी साहब, बी डी ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन चौधरी नजीर साहब, और चौधरी अजहर महमूद साहब, मसूद जनाब अब्बास मलिक, और अमर उजाला के लिए तशरीफ एजुकेशन लेक्चरर पवन कुमार साहब, कुमार साहब फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर के खानदान का बहुत योगदान रहा है, दासर डाबर डाबर है ये अभिनव जुमन, और ये इंजीनियर है केडीडी मुश्ताक खान, सीईओ ऑफिस पुंछ मुश्ताक विजय लाल, जहीर मुशायरे कार्यक्रम, मेरे तक क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना योगदान दिया, सरदार राजेंद्र सिंह, अब्दुल हमीद राय साहब, और अब मनीष, और भी कई एक चैनल्स हैं इंटरनेशनल लेवल के जिनको ये इनका ताल्लुक, बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट सारी बातें पर रखी, क्या बोलते हैं बेस्ट बॉलर, सक्षम बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॉलर, और 34 रन और 2 विकेट उनके खाते में, सीरीज गौरव शर्मा, गौरव भाई शाबाश, और इधर देखो गौरव, सल्यूट इन्होंने किया, ये रनर अप टीम विनर टीम, इंडिया चलिए बोलिए चलिए, और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है, मैच है इंटरनेशनल अंदर, ये जो पुलिस से बहुत अच्छा, और कोविड-19 एक सालिया खिदमत फाउंडेशन ने इंडियन को तशरीफ लाए, जिनके लिए नसीब हुई खिदमत मोहिंदर, और इनका मतलब जो समझिएगा कि कोई सारा काम इनके कंधों पर रहता है, आंख बंद करके महकमा इनके ऊपर विश्वास करता है, डीवाईएसपी डीएआर के प्राइज एग्जाम दे रहे हैं, वो छुट्टी पे गए हैं सचिन गुप्ता साहब, खान साहब वापिस आ गए, आप फाउंडेशन अपने सम्मानित कर रहे हैं, इमरान साहब के हम बहुत ही आभारी हैं, बेहतरीन 2 साल रनर रखते हैं, एलओसी आखिरी बॉल ठीक है, मैच आप आखिरी बॉल तक, लेकिन कामयाबी किसी एक टीम के ठीक है सर, ओके हिस्से में आती है, मुकद्दर बनती है, और आप इमरान खान साहब जो है और जम्मू की हमारी ये टीम विनर टीम, और सईद इमरान साहब तशरीफ लाइएगा, ये बड़े तारीखी लम्हात हैं, आपकी जो स्वयंसेवी संस्था और तंजीम है, और आप मुबारकबाद के मुस्तहक कि आपने 56 टीमों को यहाँ पर लाया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की 56 टीमें सरजमीन पुंछ पर वारिद हुई, 2 महीने तक उन्होंने अपने खेल की फ्लाइटों का मुजाहरा किया, आज कैसे करो थैंक यू भैया। मैच जो आप
यहाँ शायकीन क्रिकेट जो थे उन्होंने वो लुत्फानंदोज़ हुए उस फाइनल टूर्नामेंट से, फाइनल मैच से। खिदमत फाउंडेशन की जानिब से ये जो टूर्नामेंट है ये करवाया जा रहा था। कुल 56 टीमें थी जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। 2 जनवरी को जो है वो इस टूर्नामेंट को हमने यहाँ पर ओपन किया था, आज उसका फ़ाइनल था। काफ़ी हद तक हमें लोगों ने जो है यहाँ पर वो यहाँ हमारा साथ रहे, हमारा साथ दिया। और ख़ासकर मैं इंजीनियर सलीम बांडे साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने अपना पूरा तावन जो है वो हमारे साथ यहाँ पे दिया और डे फर्स्ट से लेके आज दिन तक हमारे साथ रहे। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल के जितने भी लोग थे वो हमारे साथ रहे, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पूरा, खासकर मैं पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पूरा तावन दिया और ये टूर्नामेंट जो है यहाँ पे आज इतना बेहतरीन जो फाइनल जो है वो शायकीन क्रिकेट को देखने को मिला।